बजने वाले हैं और ठीक 12 बजे हमें लड़ियां चलानी है। दीदी उठो ना, 5, 4, 3, 2, 1 और दीदी Shut up. क्या? हम क्यों चुप रहे हैं? नहीं रहेंगे हम चुप। आप यहाँ हैं हमारे कमरे में, हम चुप कैसे रह सकते हैं? खुशी तुम आप यहाँ आए क्यों? और वो भी इस वक्त। देखिए, ना तो 12 बजे हम आपके सामने आए और ना तो किसी बहाने से हम आपके घर में घुसे। मेरा फोन यहाँ पर रह गया। आपका फोन अकेले चल के तो नहीं आया होगा ना? आप ही के साथ आया होगा। ये भगवान, सबसे पहले हमने किसका चेहरा देख लिया? Excuse me? मैंने भी तुम्हारा चेहरा देखा है क्या? आपने चाहे हमारा चेहरा देख लिया, लेकिन हमने तो आपका चेहरा देखा ना। और क्या कहा था आपने? हाँ, मैं तो तुम्हारे सामने आने से रहा, लेकिन तुम तो जरूर मेरे सामने आओगे। आप कौन आया, किसके सामने? आप गलत वक्त पे गलत जगह पहुंचे मिस्टर रायसादा। हमारा नया साल बर्बाद करने के लिए आप जानते कि कितना डरा के रखा था हमें। आज दिन भर घर से बाहर कदम नहीं रख पाए ताकि आप ना दिखे, लेकिन हमें क्या पता था घूम फिर के आप ही हमारे सामने आ जाएंगे। और वैसे भी आप यहां आए कैसे? आप खिड़की से, आप खिड़की से कूद के। शट अप खुशी कुमारी गुप्ता, चिल्लाना मुझे भी आता है ओके? पर अगर मैं चिल्लाऊंगा तो तुम्हारे घर वाले जाग जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी जी जी आनी है। आकाश के साथ बाहर दीदी। खुशी, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूं क्या? दीदी। आकाश के साथ बाहर लखनवी चाट आपके लिए। आयल जी, आयल जी, आप मुझसे एक वादा करेंगे कि आप कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि आप अपने परिवार से पराई हो रही। देखिए, जैसे आप मेरे परिवार का हिस्सा बन रही हैं, वैसे ही मैं भी आपके परिवार का हिस्सा बन रहा हूं। हम किसी को नहीं खोने वाले, सिर्फ एक दूसरे को पाने वाले।
मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं। हमारी हर खुशी सिर्फ आपसे ही तो है। इसे कहते हैं प्यार। ये सब आकाश जी ने जीजी के लिए किया। यकीन ही नहीं होता कि वो आपके भाई हैं। एक्सक्यूज मी, व्हाट? अब मतलब आकाश जी इन सब बातों में विश्वास करते हैं? आज रात वो जीजी को बाहर लेके गया ताकि 12 बजे वो जीजी का चेहरा देख सके। उन्हें प्यार में इतना यकीन कि फिल्मी और स्टूपिड बकवास है। मैंने आकाश से भी यही कहा था। आपको ये सब बकवास और बेकार लगता होगा क्योंकि आप प्यार में विश्वास ही नहीं करते। राइट, नहीं करता। वैसे अर्णव जी, आज नए साल की पहली रात है। सब अपने करीबी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दे रहे होंगे। अपने लिए, जिनसे वो प्यार करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ तो मांग रहे होंगे। नए साल की इस पहली रात में सबको नई उम्मीदें, नए सपने दिखते हैं। लेकिन आप में इतनी कड़वाहट है कि आपको प्यार भी बकवास और बेकार लगता है। आप ऐसे क्यों हैं? पूरी दुनिया कुछ मांग रही है क्योंकि पूरी दुनिया पागल है। मांगने से कुछ मिलता नहीं, बकवास है ये सब। नकली फूल और तारे लगाने से ये दुनिया खूबसूरत नहीं हो जाती। ये दुनिया उतनी बेदर्द और पत्थर दिल है जितनी हमेशा थी। तुम नहीं समझोगी क्योंकि ये बात समझने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो तुम्हारे पास है नहीं। कौन सी चीज? मुझे लगा था कि तुम पूछोगी नहीं। दिमाग खुशी कुमारी गुप्ता, उस चीज को दिमाग कहते हैं। आप अपने आप बारह बज के 5 मिनट, चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट चलता है। वैसे भी खुशी जी जागी रही होंगी। लगता है जीजी आ गई है। लेकिन जीजी ने दरवाजा क्यों खटखटाया है? हम दरवाजा खोलते, आप बाहर जाइए, ठीक है? और मैं क्या कर रहा था? खुशी, अम्मा तू कब आई? हम बहुत पहले आए थे। हम पहलिया से कह रहे कि तू माना तो हमें बता देना। जीजी तो नहीं है, गई है, मतलब सो गई है। जीजी सो गई है। खुशी जी हाय, हैप्पी न्यू ईयर खुशी जी। नया साल है, नया दिन, नई रात, रात के 12 बजे। खुशी जी, क्या आपने पानी? आप पानी पियेंगे? पहलिया, जीजी, जीजी तो नहीं है, मतलब सो गई है, सो गई है।
किधर बच्चा तो लीजिए अब बंद हो गया। हाय वो अंदर लॉर्ड गवर्नर मतलब अर्णव जी 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 सॉरी है ना क्या नन्ना अंदर है नहीं तो हमने ऐसे तो नहीं कहा अंदर तो कोई नहीं है खुशी पाई लिया तो पाई लिया पाई लिया तो सो रही है खुशी बुआ जी बस बात के लिए चीची को सोने दीजिए हम कान पकड़ते हैं ये लीजिए उठक बैठक करते हैं हाय नंद किशोर लगता है रात के 12 बज गए सनका देवी सनक गई हैं सच्ची में स्टॉप ब्रेक लगाओ आपने अभी अभी कहा कि ननव अंदर है आप उन्हें ननव क्यों बुलाते हैं ओके ओके बताता हूँ वो क्या कि बहुत साल पहले आप छोटे बच्चे थे है ना वाह व्हाट द हेल ये इनके इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हैं उनको क्या इसका जेट लैग हैप्पी न्यू ईयर खुशी जी हाँ जी हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर